आज हम चैप्टर नंबर 4 का जो पार्ट हमारा रह गया था वो पार्ट हम कंप्लीट करें। हमने चैप्टर 4 में फर्स्ट हमने क्या किया था, फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड किए थे, जिसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज मिले। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड है। एक फैक्टराइजेशन यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, दूसरी है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और थर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड प्रेजेंट टाइम में आपके सिलेबस से रिमूव कर दी गई है, रिवाइज किया गया तो उसको ओमिट कर दें। इसका मतलब हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं पढ़नी है, लेकिन एक्सरसाइज पढ़नी है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नहीं करने, लेकिन या तो फैक्टराइजेशन मेथड से करने और या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर इसका हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूट्स फाइंड करने हैं तो ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। इसको श्रीधर आचार्य फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। ये फाइंड करने के लिए ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डी। और इस डी से हम रूट्स के क्या फाइंड कर सकते हैं, नेचर फाइंड कर सकते हैं कि वो रूट कैसा है। अब नेचर ऑफ रूट्स में हमारे पास d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हो गया, ठीक है। इसकी तीन कंडीशन है, तीन केस है। पहला है कि वेन d इज ग्रेटर देन जीरो या b स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, तब हमारे पास क्या होंगे कि जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टेंट होंगे, यानी दोनों डिफरेंट होंगे। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि वेन d इज इक्वल टू जीरो यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, तो जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और साथ में उनकी कंडीशन क्या होगी, इक्वल होंगे, यानी दोनों रूट्स सेम होंगे। बट थर्ड कंडीशन में ये कहा गया है कि वेन डी इज लेस देन जीरो, यानी आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये क्या आ रहा है, जीरो, जीरो से लेस देन यानी माइनस में आ रहा है, तो आपके रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, वो नॉट रियल रूट्स है। और जहां नॉट रियल रूट्स आ जाएंगे उसके रूट्स आप फाइंड नहीं करोगे। केवल दो ही कंडीशन में आप रूट फाइंड कर सकते हो, एक जब डी जीरो से ग्रेटर हो, ठीक है, तब उसके रियल और डिस्टेंट रूट्स आएंगे, नहीं दोनों अलग अलग आएंगे। सेकेंड कंडीशन में डी इज इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपके पास जीरो आ रहा है, तो भी आप उसके रूट्स फाइंड कर सकते हो, तब आपके रूट्स रियल और इक्वल आएंगे, ठीक है। तो पहला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कुछ ज़्यादा हार्ड चीज नहीं है, ये फॉर्मूले से ही रिलेटेड है। फॉर्मूले में पुट करो, आपके पास रूट्स आ जाएंगे, लेकिन फर्स्ट रूट निकालने से पहले हमें डी निकाल करके ये देखना होगा कि ये कौन सी कंडीशन में आ रहा है। अगर थर्ड कंडीशन में कोई नंबर आ रहा है, कोई इक्वेशन आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके रूट फाइंड नहीं होंगे। हम कुछ एग्जांपल लेकर के इसको समझ लेंगे। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं और उनको समझेंगे कि हम किस तरह से फाइंड करेंगे।
हम किससे ले रहे हैं, 4x square plus 4√3x plus 3 is equal to 0. फर्स्ट हम क्या करेंगे, किसका नेचर फाइंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसके रूट्स फाइंड होते हैं या नहीं होते हैं। तो फर्स्ट देखो हम वैल्यूज निकालते हैं, a इक्वल अपने पास आ रहा है 4, b इक्वल आ रहा है 4√3 और c इक्वल आ रहा है 3। फर्स्ट हम निकालते हैं d, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, 3, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और √3 का 3, 16 3 जा 48, यानी d इक्वल आ रहा है 0। d इक्वल 0 आ गया, इसका मतलब इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, इसने रियल और इक्वल रूट्स है, इसका मतलब ये फाइंड होगा। तब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज में लेना है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या है, 4√3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली क्या है, 0, तो रूट 0 अपॉन 2a की वैल्यू क्या है 4। तो x इक्वल हो गया माइनस 4√3, ये कैंसिल हो गया, अपॉन 8 इसको काटेंगे, यहाँ आ गया 2, तो x इक्वल आ गया माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, लेकिन इसके दोनों रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम x को दो बार लिखेंगे, माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 अपॉन। तो ये हमारे पास हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स फाइंड करना। लेकिन रूट्स फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना है, उसका नेचर फाइंड करना है। अगर नेचर टू कंडीशन में आता है तो ही हम आगे फाइंड करेंगे, नहीं तो आगे फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज 4.3 से फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड इक्वेशन है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिसको हम डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, नेचर फाइंड करना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है, 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 is equal to 11 upon 30। हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम ये एलसीएम लेते हैं, दोनों हमारे पास एलसीएम आ जाएंगे, x plus 4 x minus 7, इधर आपके पास आ गया x minus 7, या ये कैंसिल हो गया तो माइनस इधर आ गया x माइनस x प्लस 4 11 अपॉन 30, तो ये हो गया x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x, 4 से किया तो प्लस 4x माइनस 28 इक्वल 11 अपॉन 30। ठीक है, अब ये x x कैंसिल हो गया तो माइनस 11 अपॉन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल 11 अपॉन 30। अब देखो न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ 1 और यहाँ भी 1, तब ये कंडीशन क्या बनी आपके पास कि माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल 1 अपॉन 30। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल माइनस 30, माइनस 30 को इधर ले लो, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको आप किसी से भी कर सकते हो, कोई से भी मेथड यूज में ले सकते हो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हो या फैक्टराइजेशन भी ले सकते हो। अगर हम फैक्टराइजेशन से करते हैं तो एक्स स्क्वायर योग्य माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0
ये हमने कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो x माइनस टू, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, माइनस वन लिया तो x प्लस माइनस माइनस टू इजिकल टू जीरो, तो एक हो गया x माइनस टू, एक x माइनस वन इजिकल टू जीरो, बहुत को जीरो के इक्वल कर दो, x माइनस टू इक्वल जीरो, x माइनस वन इजिकल टू जीरो, तो x की एक वैल्यू आ गई टू और x की एक वैल्यू आ गई वन, तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गई। तो इस तरह से जैसे भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हो, फर्स्ट उनको सॉल्व करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हम दोनों मेथड में से कोई सी भी मेथड यूज में ले सकते हैं, चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यानी फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपके 4.3 का एक थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन, तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, तो उनमें हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं, आपको इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बना करके उनको सॉल्व करना है, ठीक है। हम एक ट्रेन वाला क्वेश्चन लेते हैं, तो ज्यादातर आप लोगों को हार्ड लगता है, चलिए हम ट्रेन वाला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड में जा रही है और उसकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन 360 किलोमीटर, सेम स्पीड में जा रही है, इसका मतलब हम लेट करेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये डिस्टेंस और ये स्पीड, तो इस डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो फर्स्ट वी फाइंड टाइम, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, यानी 360 अपॉन x आवर्स, ये टाइम लगा हमारे पास, ये फर्स्ट कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर पर आवर मोर, यानी स्पीड को हमने क्या किया, चेंज कर दिया, तो नाउ न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, पहले x थी अब 5 मोर हो गई, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। It would taken one hour less for the same journey का मतलब क्या हुआ कि distance वही है, तो अब time कितना लगेगा उसको, time is equal to वही d upon s, distance वही है 360, लेकिन speed होगी x plus 5, तो 360 upon x plus 5 hours उसको लगा। ये आपके पास equation second condition होगी, ठीक है। इस डिस्टेंस को कवर करने में ये जो टाइम लगा है, इस टाइम से ये टाइम वन आवर लेस है, इसका मतलब इस टाइम में से इस टाइम को अगर हम माइनस करें, 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5, तो इज इक्वल टू क्या बचता है हमारे पास, वन आवर बचता है। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, x x प्लस 5 एलसीएम आ गया, 360 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5 माइनस 360 एक्स इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इसको करते हैं तो 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 एक्स प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 18 माइनस 360 एक्स अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स इक्वल में क्या है 1, 360 से 360 आपके क्यों गए कैंसिल, 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5 एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स इज इक्वल टू 1800 और एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन। अब इसको हम सॉल्व करके क्या करेंगे, स्पीड निकालेंगे,
जो भी स्पीड होगी अपने पास, ठीक है, हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज में ले लो और या आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज में ले सकते हो। फैक्टराइजेशन मेथड यूज में लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर करके हम टू नंबर्स ऐसे लेंगे जिनको प्लस या माइनस करें तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1800 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x, 45 में से 40 के 5 बच गए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1800 आ रहा है, माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, यहाँ x कॉमन लिया तो x प्लस 45, यहाँ माइनस 40 कॉमन लिया तो x माइनस माइनस प्लस 1800 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 45 इक्वल 0, एक आपके पास आ गया x प्लस 45, एक आ गया x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, बोथ जो है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ बता रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 45 इक्वल 0 और x माइनस 40 इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ आ गया माइनस 45 और x इज इक्वल टू यहाँ पर आया 40। अब स्पीड क्या होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये आपके पास कैंसिल हो गया, ठीक है, ये नॉट एक्सेप्टेबल, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 40, इसका मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन वो है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस का क्या करना है, पहले इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद उसको सोल्व करके फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाए तो आप कोई भी मेथड यूज में ले सकते हो, चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और चाहे तो फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जो ट्रेन से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो हमें लास्ट क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज का, वो क्वेश्चन और देखते हैं हमें। द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, यानी दो स्क्वायर के एरिया का सम करते हैं तो वो 468 आता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एरिया प्लस एरिया स्क्वायर ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर, यानी हमारे पास दो स्क्वायर है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो लेट करते हैं, कि लेट साइड लेट करनी पड़ेगी हमें, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी एक्स मीटर एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर बी वाई मीटर, ठीक है। अब एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इनटू साइड यानी साइड स्क्वायर, ठीक है। तो उसके अनुसार फर्स्ट कंडीशन से बाय फर्स्ट कंडीशन इसका एरिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस इसका एरिया हुआ वाई स्क्वायर और दोनों का सम दे रखा है हमें 468, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बन गए, ठीक है। अब हमारे को आगे गिवन है द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर्स, पेरीमीटर्स का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। अब जब डिफरेंस की बात आती है तो हमें ये बताना पड़ेगा यहां पर कि कौन सी साइड, कौन से स्क्वायर की साइड ग्रेटर है और कौन से स्क्वायर की साइड लेस देन है। तो हम एक्स को ग्रेटर लेते हैं तो ये दिखा देंगे कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तब क्या कंडीशन रहेगा कि x में से y माइनस हो जाएगा, ठीक है, और अगर y ग्रेटर देन x लोगे तो y में से x माइनस होगा, ये हमें ध्यान रखना है जब डिफरेंस आए।
अब हमें गिवन है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो हमारे पास क्या होता है 4 इंटू साइड, ठीक है, साइड है x तो इसको मतलब 4x माइनस साइड है y 4y इज इक्वल टू हमें गिवन है कितना 24, ठीक है, ये हमें 24 गिवन है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो x माइनस y इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू लेंगे तो 6 प्लस y, ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। अब हम यहां से x की वैल्यू यहां पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x की जगह आ गया y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468, इसको ओपन कर लो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 प्लस y स्क्वायर ये इधर ले लो तो माइनस 468 इज इक्वल टू 0, ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y, ठीक है, 468 में से 36 माइनस कर दो तो माइनस का 432 इज इक्वल टू 0, ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा y स्क्वायर y प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही या तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज में ले और या हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज में ले, ठीक है, तो वो हम यूज में लेते हैं, इसके लिए हमारे पास फैक्टर करने पड़ेंगे इस पर, तो यहां कर रहा हूं मैं y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y, 18 में से 12 गए तो 6 और 18 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 आता है और माइनस 216 इज इक्वल टू 0, इधर कॉमन लेंगे y कॉमन आ गया y प्लस 18 माइनस 12 को मिल गया y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो एक y प्लस 18 और एक y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस 18 और y इज इक्वल टू 12, अब ये नेगेटिव आ रहा है तो साइड ऑफ स्क्वायर कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये कैंसिल हो गया अपने पास, तो y की वैल्यू अपने पास क्या आई 12, ठीक है। अब हम इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू क्या है 6 प्लस y की जगह 12, ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ गया 18, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर्स, साइड्स ऑफ स्क्वायर्स वो हमारे पास क्या है, एक आया 18 मीटर एंड सेकेंड आया 12 मीटर, ये हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है उसको पहले या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करो या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया, अब इसमें और कुछ भी नहीं बचा है आपके पास, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन जो आते हैं जो वैल्यू ऑफ के वैल्यू ऑफ पी पूछा जाता है वो आपको मैं एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ, जिसमें हमें कंडीशन गिवन है, थ्री कंडीशन आपके पास है, वो तीन कंडीशन आपको गिवन है, उन तीनों कंडीशनों से कोई सी भी कंडीशन में गिवन हो उस कंडीशन के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन अपने पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, आपको वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है, ठीक है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इट हैज
टू इक्वल रूट्स। यहां पर आपके पास क्या है, टू इक्वल रूट्स है, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास तो गिवन है वो क्या है, के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से हम ए की वैल्यू लेंगे के, बी की वैल्यू माइनस टू के, सी की वैल्यू सिक्स। टू इक्वल रूट्स कंडीशन है, इसका मतलब d इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, b की वैल्यू हो गया माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू आ गई के सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसमें k कॉमन आ रहा है, तो 4k कॉमन आ रहा है आपके पास, तो 4k कॉमन ले लो, तो बचा k माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये दो इक्वेशन होगी, तो 4k भी जीरो के इक्वल और k माइनस सिक्स जीरो के इक्वल, तो यहाँ k इज इक्वल टू आ गया जीरो और k इज इक्वल टू आ गया सिक्स। अब k इज इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है और ए कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये कंडीशन है। तो इसका मतलब के इज इक्वल टू जीरो हम यूज में नहीं ले सकते, तब हमारे पास के की वैल्यू क्या आई, सिक्स आई, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, होमवर्क करना है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए, जो भी कोई प्रॉब्लम हो, आप या तो क्वेश्चन मैसेज कर दो मेरे को, और या फिर लाइव स्ट्रीम पे आपको उस समय जब मैं रिवीजन करूँ तो आपको अपनी प्रॉब्लम पूछनी। थैंक यू।